इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। वो जिसने हर बार तुम्हारी हेल्प की, जिसने हर बार तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे लिए मैंने अपनी बेटी का दिल दुखाया और तुमने मेरे साथ, मैं नहीं जी सकता उसके बिना, ये जानती थी ना तुम। उसके बावजूद तुमने जाकर वो सब कुछ किया, क्यों? Can you tell me why? तुमने सारी हदें पार कर दी, उसकी जान लेने की कोशिश की तुमने। गलती तुम्हारी माँ की, अगर उसने मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहिएगा। अब तुमसे कोई बात नहीं होगी, अब जो बातें होंगी ना तुम्हारी माँ के सामने होगी। वो जिसने हर बार तुम्हारी हेल्प की, जिसने हर बार तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे लिए मैंने अपनी बेटी का दिल दुखाया और तुमने मेरे साथ, मैं नहीं जी सकता उसके बिना, ये जानती थी ना तुम। उसके बावजूद तुमने जाकर वो सब कुछ किया, क्यों? Can you tell me why? तुमने सारी हदें पार कर दी, उसकी जान लेने की कोशिश की तुमने। गलती तुम्हारी माँ की, अगर उसने मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहिएगा। अब तुमसे कोई बात नहीं होगी, अब जो बातें होंगी ना तुम्हारी माँ के सामने होगी। तुम्हारी मॉम, शी इज द बेस्ट। उसने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हें, फेल वो नहीं हुई है, फेल मैं हुआ हूँ। काश मेरी बेटी तुम्हारी माँ से कुछ सीख पाती। आपने थप्पड़ मारा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अब मैं कभी दोबारा गलती करूँ, आप मुझे थप्पड़ मार देना, प्लीज दोबारा करने लगा। वहाँ पिंक गाड़ी में एक लेडी आएगी, सीएम को वही मारेगी। तुम लोग उसके आगे आके खड़े हो जाना, जिससे वो छुप जाएगी और दिखाई नहीं पड़ेगी। किसी को शक भी नहीं होना चाहिए। ओके, एंड बी केयरफुल। ओके बॉस। एक्सक्यूज मी मैम, मीट माय फ्रेंड पूरब, ये मेरा बचपन का दोस्त है, ही इज लाइक ब्रदर टू मी। इसलिए मेरा दोस्त तब से जब से मैंने रॉकस्टार बनने के बारे में सोचा भी नहीं। मेरे रॉकस्टार बनने के पीछे इसका बहुत बड़ा हाथ है। यू नो एक्चुअली हम सबकी जिंदगी में एक इंसान ऐसा जरूर होना चाहिए जो हमारे साथ तब से हो जब हम कुछ नहीं होते हैं। दस गिनती तक गोली मार देना। आलिया को अगर प्रॉब्लम है कि मैं रिया से इतनी क्लोज हूँ तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। बार बार कहती रहती है कि रिया मेरी बेटी नहीं है, बेटी जैसी है। जन्म नहीं दिया मैंने उसे, नहीं दिया जन्म मैंने उसे, लेकिन बेटी मानती हूँ मैं उसे। कैसे अलग कर सकती हूँ मुझे उससे, और कोई भी मुझे उसे अलग नहीं कर सकता। मेरे सामने मेरी बेटी को गलत चीजें नहीं सिखा सकता। I will fight anyone who does that, anyone who teaches her bad things, चाहे वो आलिया ही क्यों ना हो। ये क्या बोले जा रही हो? हाँ? क्यों मुसीबत ले रही हो अपने लिए? अरे आलिया से लड़ने की कोई नहीं सोच सकता, लड़ना तो दूर की बात है, मतलब अगर लड़ोगी भी ना तो जीतने की सोचना भी मत। मैं लड़ूंगी और मैं जीतूंगी भी। आलिया को मैं वो नहीं करने दूंगी जो वो करना चाहती है। पता भी है उसने कैंप में क्या किया रिया ने? अब तो वो क्या किया उसने? यही कहा ना कि वो पहाड़ी से गिर गई, झूठ बोला। कोई क्राइम तो नहीं किया ना मीरा? व्हाई डोंट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आज के जनरेशन के लिए ये सब प्रैंक है, दिस इज क्वाइट नॉर्मल। लेकिन तुम तो कुछ अलग ही सोचती रहती हो। यू नो व्हाट स्वीटहार्ट, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, लेकिन जब से तुम मेरा फैमिली में आई हो किसी तरीके से तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस तो बदल दी, लेकिन तुम्हारा माइंडसेट आज तक नहीं बदल पाए। योर माइंडसेट इज स्टिल द सेम, टिपिकल मिडिल क्लास मेंटेलिटी। और अपनी ये मिडिल क्लास मेंटेलिटी अपने पास रखो, इसे हमें या रिया को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज आई एम गोना टेल यू वन थिंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर, रिया का क्लास यहां है। डोंट टेल हर और डोंट टीच हर एनीथिंग। तो तुम या कोई और उसे ये नहीं बताएगा कि उसे लाइफ में क्या करना है या कैसे बिहेव करना है। सो डोंट यू डेयर ट्राई दैट स्टंट ऑन हर अगेन।
उसकी लाइफ में उसे सही और गलत समझाने के लिए उसके डैड और मैं हूँ। इसे मारकर अपनी बेटी को बचा लो या बेटी को मारकर सीएम को बचा लो। अगर आप ये चाहती हैं कि मैं इस घर में रहूं तो प्रीता इस घर में कभी नहीं आएगी। अगर प्रीता इस घर में आई तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है ना? ये खंजर हाना के लिए नहीं है। तो? ये खंजर तेरे लिए है। तेरी असली पहचान जान चुकी हूं मैं। बस पंखो, बहुत हो गया। बोल मेरे रिपोर्ट्स में क्या लिखा है? बोल पंखू, मैं वेट कर रही हूँ। दीप, आई एम सो सॉरी। ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती से प्रेग्नेंट हुए हो जो अब आप इस चीज की मदद मांग रहे हो। पंखू, ठीक, इस स्टेज पे आके अभी ऐसे मना मत कर। तू मुझे बता, मैं कैसे खरीदूँ तेरी मदद? तुझे हमेशा से यह लगता था ना कि नानी ने माँ की शादी वाला हार मुझे क्यों दिया? तू वो ले ले, तू मुझसे हर चीज ले ले, मेरे सारे कपड़े, मेरे गहने, मेरे पैसे, मेरे वेदांत, मेरे सारे खुश। मोक्ष को छीन के मैं आपके पास तो नहीं ला सकती, पर मैं अपने आप को तब तक सजा दूंगी जब तक आपको आपकी गलती का एहसास नहीं हो जाता। मल्हार जी, शान को बाहर ले जाकर नशे की हालत में मैं उसे अपना बनाऊंगी। मुझे तो बहुत बहुत भूख लग रही है। हाँ, भूख तो मुझे भी लग रही है। चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। बेटा, चलो देखो क्या ऑर्डर करना है। क्या रोक पाएगी अस्मिता नंदिनी को शान को अपने जाल में फंसाने से? लेटर एजी ने खास आपके लिए भेजा और साथ में ये साड़ी भी। मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे और क्यों हुआ, मगर मैं इतना जानता हूँ कि मैं जहाँ देखता हूँ वहाँ तुम्हें पाता हूँ। सच यही है गुट्टा, कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब तुमसे लड़ते झगड़ते मैंने हमारी इस लड़ाई में प्यार ढूंढ लिया। अगर तुम भी मेरे लिए वही महसूस करती हो जो मैं करने लगा हूँ, तो मेरी ये सेलेक्ट की हुई साड़ी हमारी सगाई पर पहन कर आ जाना। आई लव यू गुट्टा। हेलो पाकी, मैं मर जाऊंगी पाकी, प्लीज हेल्प मी। इतनी रात को किधर से आ रहे हो? अब मैं कहीं नहीं गई थी बा। तेरे कपड़े तो बाहर के हैं, आ नहीं रही होगी तो जा रही होगी। बस पंखो, बहुत हो गया। बोल मेरे रिपोर्ट्स में क्या लिखा है? बोल पंखो, मैं वेट कर रही हूँ। दीप, आई एम सो सॉरी। ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती से प्रेग्नेंट हुए हो जो अब आप इस चीज की मदद मांग रहे हो। पंखू, ठीक, इस स्टेज पे आके अभी ऐसे मना मत कर। तू मुझे बता, मैं कैसे खरीदूं तेरी मदद? तुझे हमेशा से यह लगता था ना कि नानी ने माँ की शादी वाला हार मुझे क्यों दिया? तू वो ले ले, तू मुझसे हर चीज ले ले, मेरे सारे कपड़े, मेरे गहने, मेरे पैसे, मेरे वेदांत, मेरे सारे खुश। मोक्ष को छीन के मैं आपके पास तो नहीं ला सकती, पर मैं अपने आप को तब तक सजा दूंगी जब तक आपको आपकी गलती का एहसास नहीं हो जाता। मल्हार जी, हेलो पाकी, मैं मर जाऊंगी पाकी, प्लीज हेल्प मी।
इतनी रात को किधर से आ रहे हो? अब मैं कहीं नहीं गई थी भा। तेरे कपड़े तो बाहर के हैं, आ नहीं रही होगी तो जा रही होगी।